Hi guys, welcome again. I'm J.S. Yadav and in today's video we are going to learn how to solve close tests. आज की वीडियो में हम देखेंगे गाइज कि हम कैसे सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को. हम देखेंगे कि आखिर कम समय में हम क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे किए जाएं और कौन सी वो ट्रिक्स हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले. और आज हम इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्लोज टेस्ट को पूरा सॉल्व भी करेंगे. आगे कई और वीडियोज़ में आपको दूंगा जिनमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्लोज टेस्ट की. चलिए तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं, बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिस दी क्लोज टेस्ट टुडे, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें उससे पहले हम जरा कुछ चीज़ों को देख लें, समझ लें क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस. एक्चुअली क्लोज टेस्ट है क्या गाइस, आपको पता होगा क्लोज टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. लैंग्वेज का जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है, लैंग्वेज के तीन पार्ट्स हमारे पास होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में. वी हैव गॉट थ्री पार्ट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन ऑफ एनी लैंग्वेज. फाइन, किसी भी एग्जामिनेशन में लैंग्वेज के तीन पार्ट्स होते हैं. वन इज लाइक ग्रामर एंड द अदर इज वोकैबुलरी एंड द थर्ड इज कॉम्प्रीहेंशन. आपको पता होगा कि कॉम्प्रीहेंशन में तीन बातें आती हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस PQRS, सेकंड हमारे पास रहता है क्लोज टेस्ट और फिर हमारे पास है अनसीन पैसेजेस. तो PQRS को करने के लिए कुछ वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. क्लोज टेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, करना शुरू करेंगे, कुछ वीडियोस और मैं दूंगा और अनसीन पैसेजेस जो आते हैं आपके जो कॉम्प्रीहेंशन में जो पैसेजेस आते हैं उनको करने के लिए और ट्रिक्स में देना शुरू करूंगा अगले वीडियो में. तो चलिए गाइस हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन. आपको पता होगा कि वर्ड कॉम्प्रीहेंशन बनाया गया, डिराइव किया गया है अ वर्ब, एक वर्ड कॉम्प्रीहेंड से. कॉम्प्रीहेंड क्या होता है गाइस, कॉम्प्रीहेंड इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है समझना, है ना. तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो नाउन है, इसका मतलब होता है समझ, चीजों को लेकर जो हमारी समझ है. अगर इंग्लिश की किसी भी चीज की बात करें, इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, पैराग्राफ की बात करें, स्टोरी की बात करें, तो उसको लेकर जो हमारी समझ है एग्जामिनर कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू उन चीज़ों को जज करता है कि आखिर लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज के प्रति, भाषा के प्रति हमारी समझ क्या है, कितना ज़्यादा, कितना हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं, वही कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के थ्रू जज किया जाता है. तो गाइज इन कॉम्प्रिहेंशन वी हैव गॉट थ्री पार्ट्स. वन इज जंबल्ड सेंटेंसेस, दी अदर इज अनसीन पैसेजेस एंड द लास्ट इज क्लोज टेस्ट. तो आज हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट की. गाइज क्लोज टेस्ट को करने से पहले या कॉम्प्रिहेंशन के किसी भी पार्ट को करने से पहले, चाहे जंबल्ड सेंटेंसेस हो, अनसीन पैसेजेस हो या क्लोज टेस्ट हो, इन तीनों को करने से पहले दो चीज़ें हमारी अच्छी होनी चाहिए, दो चीज़ों पर हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए. द वेरी फर्स्ट थिंग गाइज, पहली बात, हमारा जो ग्रामर पार्ट है वो ठीक ठाक होना चाहिए, एवरेज, कम से कम एवरेज होना चाहिए. और बहुत अच्छी तरह अगर आपको आती है ग्रामर तो दैट्स ओके, वेरी गुड. साथ ही साथ यहाँ वोकैब भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. अच्छा, ग्रामर और वोकैब पर जब अच्छी कमांड होती है तो हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर जाते हैं. जनरली लैंग्वेज को पढ़ा भी ऐसे जाता है, फर्स्ट वी नीड टू लर्न ग्रामर, देन वोकैबुलरी एंड देन वी कम टू कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. चलिए, मैं ये मानता हूँ कि आज जो हम सारे बैठे हुए हैं गाइज, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एवरेज इन द सेंस, डोंट टेक इट अदरवाइज गाइज, एवरेज इन द सेंस कि आप ग्रामर पर भी अच्छे हैं और वोकैब भी आपको ठीक ठाक आती है. इसके अलावा अब क्या है दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ग्रामर आपको भी आती है, पड़ोसी को भी आती है, आपके फ्रेंड को भी आती है, वो क्या भी ठीक ठाक है आपकी, उसकी भी है और आपकी भी है. तो फिर अब क्या है जिसकी वजह से क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट नहीं हो पाता, ठीक है. मैं प्रैक्टिस कराऊं उससे पहले दो तीन बातें बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर हम सीधे क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. इजी टू डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे हमेशा, इट हैज बीन माई मोटिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. मैं हमेशा इस एजेंडे को लेकर चलता हूं कि हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर चाहे चीजें इजी आए या डिफिकल्ट आए उसी कॉन्सेप्ट पर होते हैं, हम कर लेते हैं. तो गाइस मैं बता रहा था ग्रामर और वोकैब पर जब हमारी कमांड अच्छी होती है तो अब क्या है तीसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए किसी भी क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय गाइज, इफ पॉसिबल, रिमेंबर गाइज, इफ पॉसिबल, डिपेंड करता है किस एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हैं और कैसा पैटर्न है, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है. कई बार ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, अगर स्किप करते तो पीछे नहीं आ सकते, पहले ही देखेंगे फिर बाद में लास्ट देखेंगे. वो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं और किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट किया गया है. लेकिन इन जनरल आपको क्या करना होता है किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले गाइज, मेक श्योर यू डू नॉट हैव टू बी इन हरी, जरा सी भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. रीजन मैं भी आपको बताऊंगा. क्लोज टेस्ट एक तरह का एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी हमें कंप्लीट करनी होती है, बीच बीच में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको पता होगा, और एक फिल इन द ब्लैंक के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं. कभी भी क्लोज टेस्ट को करते समय जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. आपने कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है, क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना होता है. रिमेंबर गाइस, क्लोज टेस्ट को आप पूरा पढ़ेंगे इन वन गो, और अगर पॉसिबल है तो क्लोज टेस्ट यानी वो जो क्लोज टेस्ट आया उसको भी पढ़ने से पहले आपको दिए हुए ऑप्शंस पढ़ने चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आता है तो एटलीस्ट उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, या हमारे पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. अगर 5 होंगे तो जिनसे हमें वर्ड जो चूज करके फिल करने होंगे वो 20 ऑप्शंस होंगे, और अगर 10 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं उसमें आ जाते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं गाइज, तो वी विल हैव 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स होते हैं जिनमें से 10 को चूज करना होता है. तो मैं तो कह रहा हूं कि क्लोज टेस्ट से पहले अगर पॉसिबल है गाइज, तो यू नीड टू रीड द ऑप्शंस गिवन बिलो. रीजन,
क्योंकि अल्टीमेटली हमें उन उन वर्ड्स को पढ़कर ही, उन 10 ऑप्शंस को पढ़कर ही उनमें से एक एक चूज करके फिल करना होता है। तो क्लॉसेस को पढ़ने से पहले अगर पॉसिबल है तो हम उनके ऑप्शंस पढ़ लें, वो वर्ड्स पढ़ लें और देख लें कि क्या हमें उनके मतलब आते हैं। 80-90% अगर आपको आते हैं, 100% वो सारे वर्ड्स आपको आते हैं, तो इट्स वर्थ अटेम्प्टिंग दिस क्लॉस टेस्ट। फिर हमें इस क्लॉसेस को अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो कि 10-20% आते हैं, मतलब दो चार वर्ड आते हैं फिर हमें नहीं आते, तो बेटर होगा कि गाइस कि आप उस क्लॉसेस को छोड़कर एग्जामिनेशन में किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम। अल्टीमेटली गाइज आपको लाख कहानी पूरी समझ में आ जाए, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं अल्टीमेटली दिए हुए ऑप्शन से हमें चूज कर भरना होगा। और अगर हमें उनके ही मतलब नहीं पता, जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए चार ऑप्शन आते हैं, अगर हमें उनका ही मतलब नहीं पता, तो बेटर होगा कि क्लॉसेस को छोड़कर हम अपना टाइम बचाएं और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। तो चलिए, क्लॉसेस को पढ़ने से पहले आपने सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, ठीक है? तो ऐसा मैं अभी भी यहां आपको कराऊंगा। तो पहले आपने सारे ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शंस को पढ़कर पता चला कि यार ये तो मुझे सारे आते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया गाइज कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्लॉसेस आसान आया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। कहानी को शुरुआत से पढ़ते हैं। कोई जल्दी नहीं है कि पहले फिल इन द ब्लैंक को पहली बार में ही फिल कर दिया जाए। और मोस्टली हमसे गलती हो जाती है क्लॉसेस के पहले ब्लैंक को फिल करने में, क्योंकि तब तक हमें इनफ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होती है, हमने काफी कुछ पढ़ा नहीं होता और हम गेस कर रहे होते हैं। ना, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है गाइज। आप पहले फिल इन द ब्लैंक को जल्दबाजी में ना भरें। कोई भी फिल इन द ब्लैंक आप तभी भरेंगे, फिल करेंगे, जब आप उसे लेकर श्योर होते हैं कि नहीं यहाँ यही आएगा। आपने बहुत पेशेंटली इसे पढ़ना होता है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप श्योर हैं, तो फिल इन द ब्लैंक में फ्लिक करेंगे जो ऑप्शन दिए उनको लेकर के। लेकिन अगर आप श्योर नहीं, तो आप आगे बढ़ेंगे। रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। अक्सर एग्जाम में ऐसा आता है, क्लोजेस्ट हो या पैसेज हो, जम्बल्ड हो, उनके क्वेश्चंस भी वही हैं, उनके आंसर्स भी वही हैं, वो हिडन है, ट्रिक है, क्लू दिया होता है, हमें समझना होता है। क्लोजेस्ट में कोई भी सेंटेंस अगर पूरा दिया होता है, उसे ध्यान से पढ़ना। वो पूरा सेंटेंस इसलिए दिया हुआ है कि हमें थोड़ी हेल्प मिल सके, हमारे लिए वो एक क्लू का काम करता है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा। इस बात को ध्यान से समझेंगे आप, राइट? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, कहानी को पढ़ेंगे। पहले फिल इन द ब्लैंक पे अगर आप श्योर नहीं, तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया, अक्सर ऐसा होता है, एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है क्लॉसेस को कि पहले फिल इन द ब्लैंक को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं क्लू पैसेज में, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, या हो सकता है लास्ट लाइन में दिया हो। तो जल्दबाजी किसी बात की नहीं, अगर आप श्योर हैं तो फिल करें, वरना आगे बढ़ें। कई बार चौथे या पांचवें फिल इन द ब्लैंक को फिल करने के लिए क्लू कहीं पहले दिया होता है या लास्ट में दिया होता है। तो पेशेंटली हमें पढ़ना होता है, जल्दबाजी नहीं। अगर आप श्योर हैं तो फिल करेंगे, नहीं तो श्योर नहीं करेंगे। ग्रामर भी अप्लाई होगी। ग्रामर कैसे अप्लाई होगी मैं आपको बता देता हूं। सपोज कहीं फिल इन द ब्लैंक आ गया, उसके ठीक पहले वर्ब लिखी हुई थी, सपोज वहां लिखा हुआ था ब्रोक या लिखा हुआ था कॉल्ड, कॉल्ड वर्ब हो गई। इसके बाद जो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस, यानी कॉल्ड के बाद अगर हमें लिखना है तो ही नहीं लिख सकते, कॉल्ड हिम आएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? तो ग्रामर भी हमें अप्लाई करनी होती है और वकैब भी। अब सोचो, मैंने कहा कहीं फिल इन द ब्लैंक के पहले वर्ब आ गई कॉल्ड और हमें फिल क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन चारों में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, हिम दिया है, देम दिया, मी दिया, अस दिया, तो क्या करेंगे? अब यहां पर क्लोजेस को समझ, जो तुम्हें क्लोजेस को लेकर जो तुमने समझा है, जो तुम्हारी समझ है, वो काम आएगी तुम्हारे, ठीक है ना? ग्रामर भी यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वकैब भी। भाई कहीं हमने गेस कर लिया कि ये प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमें पता कि क्या था, नाउन प्रोनाउन आता है या जेरंड यूज किया जाता है, लेकिन जब हमने ऑप्शंस को देखा तो सारी नाउन प्रोनाउन लिखे हुए थे, सारी चारों के चारों ऑप्शंस जेरंड लिखे हुए थे। अब उन चारों का मतलब पता होना जरूरी है, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि यहां कॉन्टेक्स्ट में कौन सा फिल होगा। इस तरह से तो गाइस पेशेंटली पढ़ते हैं आप, पहले को फिल करने के लिए पेशेंटली पढ़ेंगे, पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, लास्ट तक हो सकता है कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा, दूसरे को अगर पता चला तो फिल करेंगे, नहीं तो नहीं। एग्जामिनर वही क्लू देता है, पेशेंटली हमें पढ़ना होता है, और सबसे पहले क्लॉसेस को पढ़ने से पहले हम उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि यहां ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको रूल नंबर 1 लिखा दिया जाए, 2 लिखा दिया जाए, रूल तो ऐसा कुछ होता ही नहीं लैंग्वेज में, यहां हमें चीजों को पढ़कर ही समझना होता है। चलिए गाइस देखेंगे, सबसे पहले आप ऑप्शंस देखते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, उन ऑप्शंस को आप देख लें, राइट, और एक बार उन्हें पढ़ लें। जो 40 वर्ड्स आपके पास आ गए हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक का ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा क्लोजेस्ट, और आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है गाइस, आप देखेंगे कि हमारे पास 40 वर्ड्स आ चुके हैं। अब इन्हें पढ़ लें ध्यान से और देखेंगे कि कितने इनमें से आपको आते हैं और कितने नहीं आते। अगर अधिकांश आते हैं, मोस्ट ऑफ देम यू नो, इफ यू नो मोस्ट ऑफ देम दैट्स ओके, वी कैन गो अहेड एंड अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस। और अगर अधिकांश नहीं आते, एक दो ही आते हैं, तो वर्थ वाइल कि आप इसे, ये वर्थ होगा कि इसे छोड़ ही दिया जाए। चलिए आप जरा ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ लें, आई विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट गाइज। तो यही करना होगा हमें। मैं आपको बताता हूँ कि हमने 40 पूरे 40 जो वर्ड्स से ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, 10 ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट है। तो सबसे पहला आपने देखा क्या लिखा हुआ गाइज, रूममेट्स, फिर लिखा है स्ट्रेंजर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, दिल्ली, गार्डेड, ट्रोंच्ड, क्राउडेड, फील्ड, शी, हरी, दे, यू, डोर, विंडो, काउंटर, एनहांस, 3, 4, 1, 2, द, ए, एन, नो, ए, एन, द, नॉट, फिर नाइन्थ में क्या लिखा है, थिंग्स, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, फिर लिखा है देम, अस, वी, दे।
ये 40 के 40 वर्ड्स मैंने पढ़ दिए, मेरे ख्याल से सारे आपको आते होंगे। मैं आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इजी से डिफिकल्ट की तरफ चलूंगा। चलिए क्लोजेस पढ़ लिया, सॉरी आपने ऑप्शंस पढ़ लिए, अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, देखते और समझते हैं। जहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखना शुरू करेंगे। लिखा है इट वॉज अ सडन डिसीजन, क्या लिखा गाइज, इट वॉज अ सडन डिसीजन एंड थ्री ऑफ अस ऑल फिल इन द ब्लैंक। और पहले के लिए आप ऑप्शन देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता चलता हूँ। इट वॉज अ सडन डिसीजन का मतलब ये अचानक लिया गया एक निर्णय था, और थ्री ऑफ अस ऑल मतलब हम में से तीन क्या, चार ऑप्शन हैं, रूममेट्स, स्ट्रेंजर्स, क्लासमेट, फ्रेंड्स। देखिए अभी यहाँ तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिली कि जो तीन थे वो थे क्या, अचानक एक निर्णय लिया गया और हम में से तीन जो कि क्या थे, या तो रूममेट्स थे, स्ट्रेंजर्स थे, क्लासमेट्स थे, या फ्रेंड्स थे। देखो ध्यान से अब आगे पढ़ोगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करना गाइस। आगे लिखा हुआ थ्री ऑफ अस ऑल इन द हॉस्टल, ये क्लू आपके लिए। हॉस्टल क्या गाइस, एक रेजिडेंशियल प्लेस है जहां हम रहते हैं, तो हॉस्टल की वजह से क्लू आपको समझना होगा कि हॉस्टल में कौन सा रिलेशन डेवलप हो सकता है हॉस्टल की वजह से। हम यहाँ क्या ले लेंगे, देखिए अगर आप हॉस्टल में हैं तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, रूममेट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स तो नहीं हो सकते। तो पहले तो स्ट्रेंजर्स को अलग करो। अच्छा अब रही बात कि सर फ्रेंड्स क्यों नहीं, रूममेट्स क्यों नहीं, क्लासमेट्स क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम बात हॉस्टल की करते हैं तो फ्रेंड्स तो क्लास में भी होते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं बात हॉस्टल की कह रहा हूँ, हॉस्टल यानी रहने का प्लेस है, तो रहने की वजह से जो रिलेशन डेवलप होगा यहाँ पर वो क्या होगा, रूममेट्स होगा। और अगर अभी आपको डाउट है तो आगे चलेंगे, मैंने कहा ना अगर आपको डाउट होता है तो आगे आप चलेंगे, आपको क्लू मिलेगा। तो गाइस मैंने यहाँ क्या लिया, रूममेट लिया। इट वॉज अ सडन डिसीजन एंड थ्री ऑफ अस ऑल रूममेट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन टू। हम तीन हॉस्टल में जो कि रूममेट्स थे, निर्णय लिया कि हम ट्रेन से जाएंगे। अब ऐसा आपको कभी किसी ग्रामर में नहीं पढ़ाया जाता, कहीं किसी टॉपिक में नहीं पढ़ाया जाता कि तीन लोग जो किसी हॉस्टल में रहते हैं, रूममेट्स हैं, और वो ट्रेन से ट्रेवल करने जाते हैं। कहाँ जाएंगे, इसके ठीक आगे पढ़ो, लिखा गया क्या, ट्रेवल बाय ट्रेन टू, लिखा है ट्रेन टू, और लिखा एंड विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। अब आपको पता होगा रिपब्लिक डे परेड कहाँ, रिपब्लिक डे परेड इन चारों प्लेस में से कहाँ होगी, ऑप्शन देख लेंगे, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। तो क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा, डिड आई मेक इट क्लियर, यहाँ दिल्ली लिख दिया जाएगा, फाइन, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा आपने, दिल्ली हो गया। द स्टेशन वॉज हैवली, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, चार ऑप्शन हैं, कौन कौन से देखेंगे जरा आप। एक लिखा है गार्डेड, थ्रोन्ड, क्राउडेड और फिल्ड, तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है यहाँ पर, आगे पढ़ो आपको पता चल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक फिल करने से पहले। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर, लॉन्ग क्यू ये इशारा है आपके लिए, क्लू है, लॉन्ग क्यू का मतलब ये हो गया कि बहुत भीड़ थी वहां पर, इसलिए हम भीड़ के लिए क्या ले लेंगे, क्राउडेड लेंगे गाइस, क्या लेंगे, क्राउडेड। देयर वॉज द स्टेशन वॉज हैवली क्राउडेड हो जाएगा। देखिए अगर इसके बाद सेंटेंस बदला होता, अगर ये ना लिखा होता देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर, तो शायद गार्डेड भी आ सकता था। अगर लिखा जाता अ फ्यू मोर पुलिसमैन वर डिप्लॉयड, कुछ और पुलिसमैन वहां लगा दिए गए थे, तो शायद मैं लिख देता कि द स्टेशन वॉज हैवली गार्डेड। डिड आई मेक इट क्लियर, चलिए। तो आपने क्राउड क्यों लिया, क्राउडेड, या जो थ्रॉन्ज वर्ड होता है गाइज उसका मतलब भी भीड़ होती है, लेकिन थ्रॉन्ज क्या है और क्राउडेड में डिफरेंस क्या होता है आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, या मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्राउडेड जो भीड़ होती है वो एक ही पर्पज से कहीं पर जमा हुए लोग होते हैं, ठीक है, जबकि थ्रॉन्ज जो होता है वो किसी भी पर्पज से, अलग अलग पर्पज से भी लोग आए होते हैं, उनके लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी भीड़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्राउडेड ले लेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक शुरू हुआ, टिकट काउंटर तक हो गया था। अब आप देखते हैं जरा पैसेज को पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक शुरुआत में ही आ गया, चौथा फिल इन द ब्लैंक। फिर लिखा प्रिटेंडेड, क्या लिखा गाइस, प्रिटेंडेड, आपको पता होगा प्रिटेंडेड वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या था, सब्जेक्ट। देखा यहाँ ग्रामर का रोल हुआ, सब्जेक्ट प्रिटेंडेड सिकनेस, यानी इस सब्जेक्ट ने बीमारी का बहाना बनाया एंड परसुएडेड द मैन नियरेस्ट टू द, और उस व्यक्ति को परसुएड कर लिया, मना लिया, टू द नियरेस्ट टू द, जो उसके पास खड़ा हुआ था, किसके पास खड़ा हुआ था, चौथा और पांचवा दोनों देखेंगे। देखो चौथे के लिए जो ऑप्शन देखेंगे आप, लिखा है शी, हरी, दे, यू, लिखा हुआ ना, शी, हरी, दे, यू। देखो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो शी हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोनाउन है, दे हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन है, यू हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन है। अभी हमने ऐसा कोई नाउन ऊपर नहीं लिया जिसके लिए शी ले सके, ऐसा कोई नाउन नहीं लिया यू, यू का तो पिक्चर में पहली बार आना होगा तो हम यू यहां नहीं लेंगे। दे पर शायद आपको डाउट हो कि दे प्रिटेंडेड सिकनेस हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हरी अचानक यहाँ कहाँ से आया, राइट? या तो आप यहाँ ट्रिक लगाओ, यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाओ कि हरी अचानक कैसे आया, या अगर आपको डाउट है फोर्थ को छोड़ सकते हैं, मैंने कहा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, आगे आपको क्लू मिलेगा। फिलहाल इस चौथे का आंसर हरी है, अभी आपको कन्फर्म हो जाएगा हरी क्यों आएगा। देखो कैसे, प्रिटेंडेड सिकनेस, हरी ने बीमारी का बहाना बनाया एंड परसुएडेड द मैन
नियरेस्ट टू द काउंटर आएगा. चार ऑप्शन पांचवें में कौन कौन से हैं? डोर, विंडो, काउंटर, इनहैंस. हम लोग अक्सर बोलते हैं टिकट विंडो. टिकट विंडो नहीं, टिकट काउंटर होता है. डिड आई मेक इट क्लियर? और कैसे? देखो जी, इसके ठीक पहले वाली लाइन पे लिखा है, देखेंगे, देख लेंगे आप, कि देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर. ठीक है, तो उस काउंटर की वजह से हमने यहाँ क्या कर लिया? नियरेस्ट टू द काउंटर कर लिया पांचवें में. चौथे में हरी भरा है. आपको शायद डाउट हो रहा हो कि हरी फिल क्यों किया गया, अभी पता चलेगा. नियरेस्ट टू द काउंटर हो गया टू बाय थ्री मोर टिकट्स. काउंटर के पास वाले बंदे को तीन और टिकट्स लेने के लिए उसने मना लिया. वन फॉर हिम, देखो यहां है क्लू, वन फॉर हिम, एक उसके लिए. अब ये हिम जो आया प्रोनाउन किसके लिए आया? जाहिर सी बात है, जो नाउन हमने पहले लिया होगा उसी के लिए प्रोनाउन आया होगा. तो वहां पर अगर मैं शी लेता या दे लेता या यू लेता तो यहां हिम नहीं ले सकता था. इसका मतलब जिसने बीमारी का बहाना बनाया वो एक सिंगुलर मेल नाउन रहा होगा. यानी हमने वहां क्या ले लिया? हरी. क्या लिया गाइज? हरी. वहां हरी आया इसलिए टिकट्स कितनी लेने के लिए उसको परसुएट किया? तीन टिकट्स लेने के लिए परसुएट किया. तो जब तीन लेने के लिए परसुएट किया, वन फॉर हिम, एक खुद के लिए, एंड टू फॉर हिज सिस्टर्स. जाहिर सी बात है, जब टोटल कुल मिलाकर जो टोटल टिकट्स लेने के लिए उसने कहा, लेने के लिए कहा, तीन थी. तो अगर लेने के लिए तीन टिकट्स उसने बोला है, उसे परसुएट किया एक खुद के लिए, तो जाहिर सी बात है दो उसकी सिस्टर्स के लिए. तो सिक्स भी फेल हो गया, टू आ गया. ठीक है, देखो आप पैसेज में ही, क्लोजेस में ही जानकारी मिल रही है, क्लू मिल रहा है. और आगे चलते, फिर क्या लिखा हुआ है? नो प्रॉब्लम देयर फॉर इन बाइक टिकट्स. टिकट्स खरीदने में इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई. फिल इन द ब्लैंक. सातवां देखेंगे, ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म एंड देयर वॉज ट्रेन के पहले, ट्रेन है. सेवंथ में ऑप्शन क्या है? गाइज आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो ऑप्शन लिखे हुए थे जब मैं आपको पढ़ा रहा था. ठीक है, पैसेज का भी और उसका, दोनों का भी. और जब मैं बोलूं तो उसे आप देखेंगे. सेवंथ में ऑप्शन क्या है? द, आ, एन, नो. वापस आओ. द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म. नो ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म. आ ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म. क्या आना चाहिए? ए ट्रेन वॉज. देखिए, आप अगर किसी ट्रेन के लिए टिकट लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेन आपके लिए नो ने, कि आप उसी से जाएंगे. स्पेसिफिक हो गई ना, और हमने पहले ही बात कर ली है. तो स्पेसिफिक होने की वजह से क्या आएगा? द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म एंड देयर वॉज मैड रश अमंग द पैसेंजर्स टू गेट ऑन द कोचेस. और मैड रश का मतलब भीड़ बिल्कुल पागल सी हो रखी थी कोचेस डिब्बों में जाने के लिए, चढ़ने के लिए. तो मैड के पहले हमारे पास चार ऑप्शन हैं. एट्थ में देख लेंगे, ए, एन, द, नॉट. तो फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे हम? अभी हम भीड़ की बात पहली बार यहाँ पर कर रहे हैं ना, कैटेगराइज कर रहे हैं एक्चुअली. मैड रश, इसके पहले ए, एन, द में से क्या आना चाहिए? आ मैड रश आएगा. आ मैड रश, आ मैड रश अमंग द पैसेंजर टू गेट ऑन द कोचेस. उसका रीज़न क्या है गाइस? मैंने कॉमन नाउन में आपको पढ़ाया होगा, हमने ना मैड रश, रश को कैटेगराइज कर दिया. मैंने रश के पहले क्या लिखा? मैड. अगर मैं लिखता इंथुजियास्टिक, अगर मैं लिखता पॉपुलर, तो इसका मतलब जब रश के पहले मैंने मैड लिखा तो अल्टीमेटली मैंने इसको काउंटेबल बना दिया. यानी रश कई तरह की, भीड़ कई तरह की होती है, और ये जो भीड़ थी कैसी थी? पागल सी भीड़ थी. इसलिए मैंने इसके पहले ए लिख दिया. इसे काउंटेबल ट्रीट किया जा रहा है. यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखा जाए तो कहीं ना कहीं उसे काउंटेबल बना देते हैं. चलिए अब आप देखेंगे, तो यहाँ आप मैट रश वॉज रश अमंग द पैसेंजर टू गेट ऑन द कोचेस. फिलिका, हरी वुड नॉट बी वरिड बाय. हरी को किसी भी चीज़ से चिंता, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी. हरी वुड नॉट बी वरिड बाय, ये सेंटेंस नेगेटिव है. वुड नॉट बी, अब ऑप्शन देखेंगे क्या क्या लिखा है. वुड नॉट बी वरिड बाय थिंग्स, बाय एवरीथिंग, बाय एनीथिंग, बाय समथिंग. यहाँ आएगा बाय एनीथिंग. हरी को किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होगी. नेगेटिव सेंटेंस में एनी लिया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम लिया जाता है. तो हरी वुड नॉट बी वरिड बाय एनीथिंग. अब आगे देखेंगे, ही आस्क्ड, फिल इन द ब्लैंक. टेंथ में यहां थोड़ी सी ग्रामर आप फिर से लगाएं. आस्क्ड हमारी क्या है गाइस? वर्ब है. अब वर्ब के बाद अब क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, टेंथ में जो ऑप्शन देखो क्या क्या लिखा गाइस. हाँ, टेंथ में हमारे पास जो ऑप्शन हैं, एक लिखा है देम, एक लिखा है अस, एक लिखा है वी और दे. तो गाइस लॉजिकली वी और दे को पहले एलिमिनेट कर दो. आप ये नहीं ले सकते, आस्क के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आता है. अब बचा देम या अस. अब क्या आना चाहिए? हरी आस्क्ड अस या हरी आस्क्ड देम टू जंप ओवर द बम्पर बिटवीन टू कोचेस एंड गेट ऑन टू द अदर साइड. हरी ने हमसे कहा या हरी ने या उसने हमसे कहा या उसने उनसे कहा कि बम्पर को पार कर, जंप कर आप उधर पहुंचे. तो आपको क्या लगता है गाइस? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे गाइस, तो ये जो ये कहानी बता रहा है ना, वो हरी नहीं है. आखिर ये स्टोरी बता कौन रहा है? मैंने कहा ना, थ्री ऑफ अस ऑल, ये जो तीन थे ना, उनमें से कोई एक स्टोरी को बता रहा है. क्योंकि बोलने वाला शुरुआत में क्या बोल गया, पहली लाइन में, थ्री ऑफ अस ऑल. तो हरी नहीं है, सेकंड नहीं है, उनमें से कोई एक है.
तो जब बोलने वाला उन तीनों में से एक है, तो ऐसे कैसे कहेगा कि ही आस्क देम, इसका मतलब तो ये हो जाएगा उसने उनसे कहा, उसने उनसे नहीं कहा, उसने हमसे कहा। थ्री ऑफ अस सेंट इस क्लोजेस की पहली लाइन में देखो लिखा हुआ है, इट वॉज अ सडन डिसीजन थ्री ऑफ अस ऑल। तो यहां से आपको क्लू मिला लास्ट को फिल करने के लिए, यहां से क्लू मिला कि जो बोलने वाला है अस जो बोल गया था, राइटर ही उसको बता रहा, और राइटर उन तीनों में से एक था, इसलिए आप यहां क्या लिखेंगे, वी और दे को आपने पहले हटा दिया, तो बन जाएगा ही आस्क देम टू जंप ओवर द बम्पर बिटवीन टू कोचेस एंड गेट ऑन द अदर साइड। डिड आई मेक इट क्लियर गाइज? तो देखा आपने किस तरह से आप ब्लैंक्स को फिल कर रहे थे, उसके ठीक बाद कहीं ना कहीं क्लू मिल रहा था, या हमने लास्ट वाले को फिल किया तो शुरुआत में क्लू लिखा हुआ था गाइज। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को करेंगे गाइज, ठीक है? क्लोजेस को करने से पहले, इसकी प्रैक्टिस करने से पहले ऑप्शंस को पढ़ लेना, और उसके बाद क्लोजेस को आप करेंगे। डिड आई मेक इट क्लियर? जिस तरह से मैंने बताया धीरे से समझते हुए करेंगे गाइस। ऑलराइट, फॉर द टाइम बीइंग दिस वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, और आगे मैं कई और क्लोजेस प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा। पीक्यूआरएस और अनसीन पैसे को बहुत जल्दी करना शुरू करूंगा। और गाइज, अगर आपने कुछ यहां सीखा हो तो डू नॉट फॉरगेट, भूले नहीं आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अपने फीडबैक मुझे देते रहें कि किन और चीजों की आपको जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी। आई एम जेएस यादव, थैंक यू।